इसने फोल्डर को प्रेस किया और सारे जो है ना 1500 की 1500 वीडियो इसने उड़ा दी। इन यही है नुक्ती मटर जो कि बच्चों में बांट देंगे, सब खा भी लेंगे। नुक्ती मटर तेरा, नुक्ती मटर भी दो। शाबाश। मेन चीज अल्लाह हु की आवाज जो है ना इनकी बहुत जबरदस्त। तो विलेज में ना हमारा इस टाइम खाना ही चलता है, दिन में जल्दी जल्दी से खाना ही बना लेते। ये आप क्या बना रही हैं? मैं सेवियां बना रही हूं। सेवियां बना रही हैं और आप रोटी? अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी है ना। हमने यहां पर झटपट से सालन बनाना भी शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अभी तो मामू का थोड़ा बहुत जो है ना फेस पे स्माइल है, लेकिन कुछ देर पहले ऐसा समझ ले कि मामू के जिस्म में जान ही नहीं थी, ऐसा पता लग रहा था। क्योंकि सर जो है ना फट रहा था दर्द से और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो क्यों हो रही थी, किस वजह से हो रही थी? बिस्मा रो रही थी तकरीबन इससे एक घंटा पहले, अभी थोड़ी बहुत हंस रही है। और मामी भी, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। रीज़न क्या है, रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस रीज़न की वजह से मामी ने, ये देखें, मिठाई जो है ना मानी थी वो आ चुकी है। अभी मिठाई ये कम है, मामी ने बोला है और जाके ले आओ। तो रीज़न अभी बताते हैं, रीज़न की तरफ चलते हैं जी। जो इस मोबाइल से मैं कैमरा चला रहा हूँ, जिस मोबाइल में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, इसी तरह मैं वीडियोस बना के अभी एडिट नहीं की थी, इसी में खड़ी हुई थी, लेकिन बिस्मा ने उठाया ऐसे देख रही थी, सेल्फियाँ बनाने लगी। एक दो सेल्फी बनाई तो उस सेल्फी को डिलीट करने के लिए इसने फोल्डर को प्रेस किया और सारे जो है ना 1500 की 1500 वीडियो इसने उड़ा दी, डिलीट कर दी। और कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले तो मैं सब बहन भाइयों को सलाम दुआ करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसला ये था कि क्योंकि काफ़ी लोगों की, मेरी बहनों की जिम्मेदारियाँ थी उसमें। जी बिल्कुल। की वीडियो थी, बकरे की वीडियो थी, दो राशन थे, एक दो बकरे थे, वो भी एडिट करके हमने शाम को डालनी थी। तो अगर वो हमसे वो मैंने बांट भी दिया था और बकरे भी तकसीम कर दिए थे, तो मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर मेरी बात सुने, व्लॉग होता, डिलीट हो जाता, कोई मसला नहीं था, दोबारा बन जाता, तो ये सबूत मैं कहाँ से लाता? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, भरोसा उनका उठ जाता, हमारा दिल मतलब कि बहुत दुखी हो गया था इस हवाले से। टेंशन की वजह से, यकीन करो मुझे बुखार, मेरे ऐसे नफ्स जो है ना रुक गए थे सब, तो 3-4 लाख का नुकसान हो जाता, मैं जाना था। और उस बहनों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई, उनको मामू ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा हमें आप पे भरोसा, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो कोई मसला नहीं है। उन बहनों ने ऐसा कहा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहले से मुझे कह दिया भाई, हमें आप पर पूरा भरोसा, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह भांजे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत करके उस डेटे को वापस किया है, तो मेरे जान में जान आई अल्हम्दुलिल्लाह। और डेटा 1500 वीडियो थी, 1500 वीडियो सारी की सारी डिलीट कर दी थी बिस्मा ने। और उसके बाद जो त्राश होता है, जिसमें मतलब जाके रिसाइकल बिन में जाके जमा हो जाती है, वहाँ से भी डिलीट कर दी। तो हुआ क्या फिर, मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी, सॉफ्टवेयर्स, कुछ विंडोज़ प्रॉब्लम, फिर जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुई। अभी भी मतलब थोड़ी बहुत रहती हैं, वो भी रिकवर हो रही है, लेकिन अभी सबकी जान में जान आई है, वरना सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी खाने का कुछ कर रहे हैं, नानी अम्मा ने सुबह का नाश्ता करती हैं, आप लोगों को पता है अभी 5 बज चुके हैं, अभी खाना खा रही हैं, परेशानी की वजह से ना अभी खाना खा रही हैं। और बाकी मामू ने अभी तक नहीं खाया, मामी ने अभी तक नहीं खाया और ना ही बच्चों ने खाया। तो इनके लिए नूडल्स लेके आए थे, नूडल्स किधर हैं, ये पड़े हुए, ये देखें, ये नूडल्स मिसाला भी लेके आई है, नूडल्स ये तैबा को अभी बना के खिला रही है। तैबा बेचारी, चलो उसकी तो कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा बिस्मा का है, लेकिन बिस्मा बेचारी ना इतनी रोई है कि हद से ज़्यादा। और जब मैंने कहा कि आप रो नहीं, आपका डेटा जो ना रिकवर हो गया, तो 12 नवाफिल पढ़ के आइए। कितनी नवाफिल पढ़ी? 60। 60 नवाफिल, मतलब कितनी पढ़नी है, कितनी पढ़ ली है? सब पढ़ के आई है, जैसे हुआ है बैठ गई है, इतना भी शुक्र अदा करो ना उतना कर लेना। और मामी ने 1000 रुपए की मिठाई बांटी, कहा था कि 1000 रुपए की मिठाई बांटूंगी कि ये मसला हल हो जाए। 500 की ले आया जाके भांजा, मतलब कि भांजा नहीं, मेरा भांजा नहीं, मामू का भांजा, मेरा यानी कजन, वो जाके ले आया है। हाँ, वो जो खड़ा हुआ है वो जा रहा है अभी
तो वो ले आया, अभी मैं और लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है मामू, फिर मैं और ले के आता हूँ, फिर बांटने के लिए जाएंगे। हाँ, फिर हर किसी के घर में जाएंगे, देखेंगे। चलें ठीक, अभी जी भाई को बोल दिया है यहाँ से लेते हैं नुक्ती मटर, क्योंकि और तो मुझे नहीं मिली कोई मतलब मिठाई ऐसी जो बांट सकें। ये तो ज़्यादा महंगी हैं, ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन यही है नुक्ती मटर जो कि बच्चों में बांट देंगे, सब खा भी लेंगे हंसी खुशी। तो यही दे रहे हैं भाई 500 रुपए की। ठीक है, ठीक है भाई, चलें जी यही नुक्ती मटर बनवाते हैं, ताज़ा बनवाए हैं आज भाई ने, तो यही लेते हैं और लेके चलते हैं। और तोशा नहीं है, तोशा वो इधर नहीं चलता, इधर नहीं चलता, नहीं, वो मुजफ्फरगढ़ से मिलेगा। चलें जी, वो यहाँ से नहीं मिलता, वो मुजफ्फरगढ़ से मिलेगा, तो हम यही नुक्ती मटर लेते हैं। नुक्ती मटर मैंने ले लिए हैं, इसे ये भी घर लेके चलते हैं, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी इमरान भाई से तुलवा लिए, तो ये सब्ज़ी भी लेके चलते हैं, क्योंकि मामू ने यह सब्ज़ी खानी है, बाकी सब तो दूसरी खा लेते हैं, लेकिन मामू तुरइयाँ ही खाएंगे, तो इसके लिए तुरइयाँ बना लेंगे। कितने पैसे हो गए भाई जान आपका? 240। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो जो सामान मामी ने बोला था वो लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर 500 के नुक्ती मटर लिए हैं, बाकी मेडिसिन भी लेनी थी तायबा के लिए खांसी की और बुखार की, वो भी ले आया हूँ, और साथ में ये तुरइयाँ भी ले आया हूँ। ये ले मामी जी, 2 किलो तुरइयाँ हैं। हाँ। और बाकी पानी 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 क्या क्या नानी, हमें रोटी भी खा ली। चलें जी, अभी परेशानी जो है थोड़ी सी कम हुई है, और मामू भी अभी थोड़ा सा उठ के खेल कूद रहे हैं। मामू फिर हम जाते हैं, आपकी नानी अम्मा लोग सब्जी लोग बना लेते हैं, और हम जाते हैं फिर बच्चों में मिठाई तकसीम कर आते हैं। इधर बुला लो या वहीं देने के लिए जाते हैं। आसिफ भाई भी भाग के आ गया है। नुक्ती मटर है, तेरा नुक्ती मटर भी दो। चलें जी मामू, आपने क्या खाना है? बस बच्चों में दे दो। एक नुक्ती मटर दे के आए, उसके मुंह में मीठा करवा के आए। मेरा पहले से ब्लड लो है, आप बच्चों में दे दो, दे दो। चलें ठीक है, इधर भी दे देना, ये हानिया को दे दो। यहीं से शुरू करते हैं, फिर सारी बस्ती में यूं ही बांटते आएंगे। शाबाश, आ जाओ आप भी आ जाओ। इनकी अम्मी काम करने के लिए गई हुई है, प्लेट ले आओ। आ जाओ आप भी आ जाओ, के भी ले लो, यहाँ पे खाने बनाने की जगह है। चाहिए वाली। हाँ। चलें जी, ये खाना बनाने की जगह है, यहाँ पे छोटा सा चूल्हा है माशाल्लाह प्यारा, इस तरह हमारा है, उसके लिए भी उसको भी साथ खाने देना। ठीक है। हाँ। चलो जाओ, ये भी लो, जलेबी भी दे दे। हाँ। चलें जी, यहाँ पर भी हमने पौधे लगाए थे, ये शहतूत का पौधा है, और ये है जी बादाम, बादाम का पौधा, और वहाँ पर है, ये बादाम नहीं है, खुबानी है, खुबानी है, और वो माल्टे का पौधा, ये इनको हमने लगा के दिए थे, इसी तरह हमने उनको भी लगा के दिए थे, और उधर भी लगा के दिए थे। हाँ। अभी उधर चलते हैं, पहले इन बच्चों को दे देते हैं। आजो आजो आजो, शाबाश, इस बच्चे को भी लेके आओ, बटा कर लो, फिर गिर जाएगी ये आपकी। आप भी आ जाओ, भाग के आओ, भाग के सबकी एक ही साथ दे दूं? नहीं नहीं, अलग अलग दे दो सबको, फिर झगड़ा करेंगे। शाबाश, इसको भी दो। चलो जी, उधर घर वाला एक छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ है? वो चले वापसी पर, अगर होगा तो फिर उसे देते जाएंगे, वो भी खेलने के लिए गया हुआ मेरे ख्याल में, वो कह रहे हैं ना। और यहाँ पर भी जो दरख्त लगा के गए हैं, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो रहे हैं। एक ये आड़ू का बूटा है, और ये सुहांजने का, ये कुछ है, वो है अमरूद है। हाँ, अमरूद, और ये है जी अंजीर, अंजीर, अरे कुछ और भी बूटे लगाए हुए हैं इन्होंने। हम भी सही टाइम पे आ गए, बच्चे रोटी खा रहे हैं, हम भी बैठ के खा लेंगे इनके साथ। हमें खाने दोगे? खाएं हम आपके साथ। एक सार हिलाती है और एक कहती है नहीं, एक कहती है नहीं नहीं खाएं। अच्छा सिस्टर, प्लेट ले आओ, फिर अच्छा, मैं आपको चीज दे दूं। चलें जी, इन बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए मिठाई भी आई है। पहले ये अपना काम कर लूं। बच्चों को देते हैं साथ में जलेबी भी, जलेबी भी और नुक्ती मटर। मामी आ जाएं फिर, यहाँ पर भी खाना चल रहा है, एक हम लेट हो गए, खा लो खाना। आप भी सही है, उनके खुद के पास नहीं है, तो देर में रख दूं चीज और ला दूं। खुद खत्म कर लिया है उन्होंने, सारा खा गए, ऐसे नहीं, आपने सारा खा लिया ना?
मुझे खाने दोगे साथ में? अच्छा चलें जी, गुड हो गया। ये लो मेरे बच्चे, मीठा भी आ गया, मीठा भी साथ साथ चले। हाँ उसको दो हो ना, और कह रही है कि मुझे दो। चलें जी अभी आगे, इधर भी जी खाना पीना चल रहा है। शाम को विलेज में ना हमारा इस टाइम खाना ही चलता है, दिन में जल्दी जल्दी से खाना ही बना लेते हैं। बिल्कुल और माशाल्लाह सास और बहू में प्यार देखे, एक रोटी डाल रही है दूसरी रोटी बना रही है। चलें जी माशाल्लाह, चलें अभी आगे चलें। चलते हैं, जलेबियां तो दे दूं। चलें दें दें, सब खाना पीने का कर रहे हैं। आज हम लेट हो गए हैं। मैं आज अपने विलेज का टूर करवा रही हूँ, मतलब के चीज़ सबको देने के लिए आई हूँ। तो ये भी है, अपना विलेज भी दिखा रही हूँ कि इस टाइम हमारा कैसे सब जो गांव की औरतें हैं कैसे दिन खड़े रहा, मतलब जब अभी तो दिन है, रात नहीं हुई, मगरिब का टाइम होने वाला है, मगरिब से पहले पहले जो है ना रोटी बन जाती है और बच्चों को भी खिला लेते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है। ये आप क्या बना रही हैं? मैं सेवियां बना रही हूँ। सेवियां बना रही हैं और आप रोटी? सालन क्या बनाया है? सालन चेक करो मामी नीचे बैठ के। हाँ, ये भी है, ये मेरा सालन चेक कर लो। अच्छा, ये इनका सालन है। आपने क्या बनाया जी? ये जी चिकन बनी हुई है और साथ में दाल। और आपने क्या बनाया है? मैंने गोश्त और आलू। गोश्त और आलू। चलें जी माशाल्लाह, गुड हो गया। बच्चे भी बेचारे देखे, एक चूल्हे के उस तरफ बैठा हुआ, एक इस तरफ पड़ा हुआ है, सबको भूख लगी हुई है ना। चलो सिस्टर इसमें दे दूं, बर्तन मुझे खुद ही उठाने पड़े क्योंकि बिचारी बिजी है ना, इसीलिए। चलो बर्तन ले आओ, आप भी ले आओ, आप लोग छाबी दे दें, छाबी दे दें। हाँ ये दे, ये ले मामी, ये इनका। अब मुंगरी में दूं या प्लेट में दूं? प्लेट में। अच्छा, इस बच्चे को थोड़ी सी दे दे, ये लो बस। हैप्पी चलें जी, यहाँ पर सबको दे दी है, अभी जलेबी भी दे रही हैं। ऐसी है ना, तीन है। चलें जी, गुड हो गया। ये लो आप ही। अम्मा जी क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चले अम्मा को भी दें। अम्मा जी नुक्ती मटर खाओगे, जलेबी खाओगे? जलेबी दे बच्चा, नुक्ती मटर नहीं। नहीं नहीं, चले जी अम्मा जी जलेबी खाती हैं, नुक्ती मटर भी देंगे। चले जी आ जाएं, अभी आगे चलते हैं मजीद। आगे घर बहुत ज्यादा है, अल्लाह करे बस हो जाए। हो जाएगा तो खैर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सब बच्चे आ गए, तो ये कुछ विलेज का माहौल है, सब अपना खाने पीने का कर रहे हैं, तो इन बच्चों को भी देते हैं जल्दी जल्दी। सब अपनी अपनी प्लेटें लेकर आ गए, अपनी अपनी प्लेटें ले आओ सब। चलो आप लोग जाओ, ये बच्चा कह रहा है मैं जोली में लूंगा। ये अपने बहन भाई को दे दो। बच्चा खुश हो गया जी, बहुत ज्यादा। ये किसकी है? इस बच्चे को आ जाओ। हाँ ये वही बच्चा है जो खेल रहा था, इसको भी दे दें। इधर आओ, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ क्या खाना है? आपके अब्बू का नाम क्या है?
अबू का नाम क्या है? अबू है। आपने क्या खाना है? आपको तो नहीं देने, आप जाओ, आपको नहीं मिलने, आपको नहीं मिलने। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने मजाक किया तो वो बेचारा भागा जा रहे हैं। चले चले चले, दो 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 दो, देर आपको दें। सही बात है। इधर देखो, और क्या खाना है? आपका नाम क्या है? चलो आप ठीक है। ऊपर वाले भी सब बच्चे यहीं पे एक ही जगह इकट्ठे हो गए, तो बस अभी चलते हैं। और एक चीज आपको और दिखाऊंगी, यहाँ पे साथ में अनार एक उगा हुआ है माशाल्लाह से, और उसमें फल कितने बहुत जबरदस्त फल उठाया हुआ है। इसी तरह का हमारा अनार भी हो जाए तो माशाल्लाह। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये सारे फूल ही फूल हैं, बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। अनार हुए हैं, ये देखो। हाँ, ऊपर अनार उगे हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये देखो, ये सारे हो रहे हैं। ये भी, ये भी, ये देखें माशाल्लाह। हम यहाँ पे पौधे लगा के गए थे, वो एक ये पौधा है जी, हिफाजत कर रहे हैं। एक पौधा वो है, एक पौधा वो है, एक वो, ये तीन चार घरों का लगा हुआ है। कुछ वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे भी लगा हुआ है। हाँ, वहाँ पे भी लगा हुआ है एक पौधा, ये देखें, ये वाला। चले मामी, अभी चलते हैं घर, और घर जाके सालन भी बनाना है। मैंने कहा पहले ये सब जगह दे दूँ। हाँ, रोटी जाके बनानी है। सिस्टर कह रही है चलो मेरे घर रोटी खा लो, तो मैंने कहा अभी जाते हैं ना, खुद घर पे रोटी बनाते हैं। ये माशाल्लाह कबूतर चेक करें, इनको अभी दाना डाला हुआ है, और ये इनका घर बनाया। उस दिन तो घर नहीं बना हुआ था, लेकिन अभी बना हुआ है, तो यहाँ पर इनको बंद करते हैं। माशाल्लाह ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेन चीज़ अल्लाह हु की आवाज़ जो है ना इनकी, बहुत ज़बरदस्त होती है। देखें अल्लाह, माशाल्लाह पाँव में कितनी प्यारी सी वो झांझरें सी डाली हुई हैं, छल्ले नमा, छल्ले नमा। अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी करे। अब ऐसे ही खा लें, हमें दे, हम नज़दीक जाएँ या उड़ी ना जाएँ। तो अभी हम चलते हैं घर, और यहीं पर सालन बना लूँगी। सालन यहीं पर बनाना है? चलें ठीक है, सब ने खा पका लिया है, तो हम अब लेट हो रहे हैं मेरे ख्याल में। ऐसे नहीं, मैं भी उनके साथ साथ खा ही पी लूँगी, अभी तो रात होने में थोड़ा सा टाइम है। बिल्कुल, मगरिब होने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। कोई मुश्किल नहीं है, रात तो अपनी है। बिल्कुल, बस इनको अभी, और वहाँ पे सब लगे हुए हैं, वहाँ पे सब बैठे हुए हैं इकट्ठे होके। अम्मी जान ने सालन भी बन जाएगा, रोटी भी बन जाएगी। और यहाँ पे ना कल भी मैंने पानी नहीं लगाया है, आज तो इनको पानी ज़रूर लगाना है। अभी अगर मैं ना लगाऊं कुछ मुश्किल नहीं है, अभी भी ज़मीन गीली पड़ी है। लेकिन इनको सुबह लगाएंगे, सुबह शाम को लगाएंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ बस मेरे पौधे जो है ना, इनको ये ज़मीन ना सूखे, इनको मतलब पानी बस 24 घंटे को इनको देती ही रहो। ज़्यादा पानी देना भी इनके लिए बेहतर नहीं है। क्या है ये, क्यों नहीं हो रहा? ये अनार का है, लेकिन ये अभी तक हुआ क्यों नहीं? अच्छा, अल्लाह करे ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या, वो तायबा बता रही है ना कि वो खा रही है। ये कहाँ से आई है? ये मेरी फूफो लेकर आई है। कौन सी फूफो? ये क्या है? मेरी नंद लेकर आई है। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी है ना, वो लेके आई है। जहाँ पे बेचारी वो काम करने के लिए जाती है ना, तो उन बाजू ने दी है उसको, तो फिर थोड़ी सी अपने घर पे रखी है, थोड़ी सी इधर दी। चले, तायबा कह रही थी मुझसे खींच के जा रहे हैं। ये लो तायबा, ये लो। नहीं नहीं, इसके गलत। तायबा ये लो, ये लो आपकी है, ये लो। अभी भाग के आ रही, ये लो ये लो ये लो, पकड़ भी लो। नहीं, हाँ पकड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो। ये ले मामी, मैं जाती हूँ मिसाले, यहाँ पे अम्मी जान ने बना के रख दी हैं, तंदूर के ऊपर रख के आती हूँ, तो फिर जाती हूँ अपने ड्यूटी पे। चले आप ड्यूटी करें, मैं तब तक वीडियो एडिट कर लूँ, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मामी ने यहाँ पर झटपट से सालन बनाना भी शुरू कर दिया है, तड़का वगैरह सब कुछ लगा दिया, और दाल भी बीच में डाल दी है, पानी भी लगा दिया है। बस आते ही अभी तंदूर भी नीचे तप चुका है, यहाँ पर रोटियाँ भी बनाई जाएंगी, और यहाँ पर सुकून से खाना भी बना लिया मामी ने। अभी टाइम तकरीबन हो गया है 7 का, और मेरी वीडियो भी एडिट हो गई है, बस 7 बजे खा लेंगे खाना। अभी अपलोड करने वाली रहती है, और कुछ सेटिंग वगैरह करने वाली रहती है, तो वो मैं करता हूँ। तो बाकी मामी ने अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट कर ली। सालन भी अभी हो जाता है, तो यहाँ पे पेड़े भी भून लेती हूँ। जैसे सालन तैयार होता है, अगर थोड़ी सी कसर भी रह गई, पहले रोटियाँ लगा लेती हूँ, नहीं तो सेक फिर निकल जाएगा। तो ये पतीले को उतार के एक साइड पे रखती हूँ,
तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।